कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आती है तो देश का संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, वोट देने का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जीतू पटवारी ने मीडिया से कहा कि भाजपा संविधान खत्म करने की कोशिश में है। वह आरक्षण के खिलाफ है। पीसीसी चीफ ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई और अब यह जानलेवा साबित हो रही है। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी से मोदी सरकार ने पार्टी फंड में 50 करोड़ का चंदा लिया। इसके साथ ही उन्होंने ग्वालियर, मुरैना और भिंड लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की 100% जीत का दावा किया है, जिसमें कोविड में इतना जन समर्थन किसी सरकार को कभी नहीं मिल सकता। इधर लोग मर रहे थे, पिता मर रहा था, बेटा थाली बजा रहा था, मोदी जी जो कह रहा था वो कर रहा था। उसके बाद भी कोवैक्सीन का जो पूरा प्रकरण आया, वो ये कहता है कि उस कोवैक्सीन के मालिक से, जिसे 50 करोड़ मोदी जी ने बीजेपी में डलवाए, उसके कारण आगे भी लोग मर रहे हैं, चलते चलते मर रहे हैं। ये प्रियंका जी ने भी आज इस बात को, इस भावना को व्यक्त किया और ये अंतर मन में घर कर रही है। मतलब मोदी जी ने जो बोला, एक तरह से उनकी गारंटी चाइना का माल बन गई और अल्टीमेटली जनता को समझ में आने लगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।